हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और गाइस आगे भी बढ़िए रहे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी जो न्यू ड्रैगन एके की स्किन आ रही है तो गाइस वो आपको कैसे मिलेगी और उसके बाद उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या क्या है, ठीक है। और गाइस उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपकमिंग दिनों के साथ मतलब अपकमिंग दिनों में कौन कौन से इवेंट देखने को मिलेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। और गाइस हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इलाइट पास का डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब गरेना के खिलाफ आपको खुद एक एक्शन लेना पड़ेगा तभी गरेना वाले आपको इलाइट पास जो है डिस्काउंट में देंगे, क्योंकि बाकी जो जितने भी सर्वर हैं वहाँ पर फ्री में इलाइट पास अवेलेबल है, मतलब फ्री नहीं डिस्काउंट में इलाइट पास अवेलेबल है तो डिस्काउंट में आपको भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा तो गाइस उसके ऊपर अभी हम आपको लास्ट में इस वीडियो को बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हम पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रैगन एके के साथ कि आपको ड्रैगन एके कैसे मिलेगी और उसके बाद आपको उसको कैसे लेवलअप करना है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है हमारी ड्रैगन एके, और जिन्होंने अभी तक इस ड्रैगन एके के बारे में फुल डिटेल नहीं देखा है तो गाइस उनके लिए पिछली वीडियो हमने सिर्फ इसी के लिए बना रखी है, तो हमारी पिछली वीडियो को आप जाके देख सकते हो। ड्रैगन एके के ऊपर हमारी पूरी पिछली वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं और इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि इस गन के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस गन के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और आपको ये कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर गाइस इस गन का जो एट्रीब्यूट होगा इसमें आपको मिलेगा डबल रेट ऑफ फायर। तो गाइस इसमें आपको क्या मिलेगा, डबल रेट ऑफ फायर, ठीक है। तो डबल रेट ऑफ फायर के साथ साथ आपको और भी इसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो डबल रेट ऑफ फायर के साथ साथ आपको जो और कुछ एक देखने को मिलेगा वो है आपका डैमेज, सिंगल डैमेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डबल रेट ऑफ फायर के साथ। और गाइस अब बात करते हैं इसमें आपका माइनस पॉइंट जो होगा वो क्या होगा। तो गाइस जो आपका माइनस पॉइंट होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका मोमेंट स्पीड। तो गाइस मोमेंट स्पीड आपको पता होगा कि आप जब कोई भी गन को होल्ड करते हो मतलब उसको आप हाथ में लेते हो और इधर उधर मोमेंट करते हो तो वो आपका कहलाता है मोमेंट स्पीड। तो गाइस वो जो है आपका माइनस हो जाएगा इस गन को अगर आप हाथ में पकड़ते हो और इधर उधर मोमेंट करते हो तो आपका मोमेंट स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये था इसका एट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं कि आपको ये मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट जो अपकमिंग दिनों में इलाइट पास देखने को मिलेंगे तो गाइस उस इलाइट पास में आपको एक स्पेशल मतलब चीज़ देखने को मिलेगी, तो वो क्या होगी हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो गाइस अभी तक आपको इलाइट पास में आपको अवेकिंग शार्ट टोकन मिलता था, ठीक है, जिससे आप अपना इलाइट कैरेक्टर को अपग्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर गाइस अब इलाइट पास में आपको एक नया टोकन देखने को मिलेगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये ड्रैगन टोकन है और इससे आप अपनी ड्रैगन एके को अपग्रेड कर सकते हो, मतलब जो आपकी एके है उसको आप इलाइट एके बना सकते हो, ड्रैगन एके में अपग्रेड कर सकते हो और फिर उसका आपको धीरे धीरे करके लेवलअप करना होगा, और जैसे जैसे लेवलअप होगा वैसे वैसे उसके एट्रीब्यूट जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ठीक है गाइस अभी तक आपको आपने क्या देखा कि यहाँ पर जितने मतलब कि आपको इस गन को कैसे अपग्रेड करना है उसके बाद ये गन आपका क्या एट्रीब्यूट्स देगा। तो अभी हम बात करते हैं हमारे कुछ इवेंट्स के ऊपर जो हमारे फ्री फायर में बहुत ही जल्द आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और उसमें कुछ ऐसी नई नई चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको गेम में अदर सर्वर में देखने को मिल चुकी है, जैसे कि आपका फायरी फिस्ट हो गया। फायरी फिस्ट जो है गाइस उस वो एक नया मतलब कि आपका फिस्ट होने वाला है जिसमें आपको फायरी फिस्ट जो है आग की तरीके जलता हुआ दिखेगा, ये एक लेजेंडरी होगा जिसको आप लॉबी में लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कैसे मिलेगा, किस इवेंट में मिलेगा, चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी ये जो बंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये हमारे फ्री फायर में एक नया इवेंट आने वाला है। सो गाइस यहाँ पर क्वीन बॉक्सर नाम का ये बंडल है और उसके बाद इसको आप कैसे ले पाओगे। सो गाइस ये इवेंट जो हमारे इंडियन सर्वर में पहले भी आ चुका है, इसमें आपको मंकी वाला बंडल देखने को मिला था जो हमारे पिछली बार ये आया था। तो गाइस यहाँ पर आपको फिर से एक बार ये देखने को मिल रहा है और यहाँ से आपको मतलब कि 3 स्पिन के चांस दिए जाते हैं, 1 स्पिन आपका 20 का पड़ता है, फिर उसके बाद 10 स्पिन जो है आपका वो पूरा मतलब कि 180 डायमंड का पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट देखने को मिलता है, मतलब 1 स्पिन का आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है 20 डायमंड का। और जो आपका 3rd स्पिन वाला है तो गाइस वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब कि गाइस थर्ड जो आपका 3rd स्पिन है मतलब 1 स्पेशल स्पिन जिस पे लिखा हुआ, तो गाइस ये एक स्पेशल स्पिन है, इसके लिए आपको 30 डायमंड पे करने पड़ते हैं मतलब 30 डायमंड, और इसमें आपके जो लकी चांस है वो बढ़ जाते हैं, मतलब लकी चांस जो है वो आपके ट्रिपल हो जाते हैं, मतलब कि अगर आपका कंफर्म होगा कि आपको 3 स्पिन में ये मिलेगा तो वो आपको यहाँ से 1 स्पिन में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ट्रिपल चांस आपके हो जाते हैं विनिंग के। तो यहाँ पर आपको ये इवेंट बहुत ही जल्द गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस अब बात करते हैं कि आपको फायरी फिस्ट का जो स्किन है वो कैसे और किस इवेंट में देखने को मिलेगा, तो उसका भी इवेंट दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये इवेंट जो है फ्री फायर में बहुत ही जल्द आपको फिर से देखने को मिलेगा, और गाइस यहाँ पर आपको फायरी मतलब फिस्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको इमोट भी मिलेगा, आपका फेल्को पेट जो है वो उसका स्किन देखने को मिलेगा फायरी वाला, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक वोल्केनो का लूट बॉक्स देखने को मिलेगा, फिर आपको एक बंडल देखने को मिलेगा जो कि ड्रैगन वाला है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक फायरी फिस्ट भी देखने को मिलेगा। तो गाइस इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 20 का स्पिन दिखा रहा है और 90 का स्पिन दिखा रहा है, तो गाइस 5 स्पिन अगर आप मारते हो तो आपको 90 डायमंड के पड़ेंगे और 1 स्पिन आपका 20 डायमंड का पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर ये जो इवेंट है इसके लिए आपको 5 टोकन लेने पड़ेंगे, ठीक है, स्पिन मार मार के आपको 5 टोकन निकालना है, फिर आप रिडीम कर पाओगे अपने स्पेशल प्राइस को।
सो गाइज ये जो फायरिंग फिस्ट है ये सभी सर्वर में जो है अवेलेबल हो चुके हैं, मतलब सभी सर्वर में इसका इवेंट दे दिया गया है। जिनको जिनको चाहिए था वो स्पिन मार के इसको निकाल चुके हैं। और गाइज इंडियन सर्वर में एक ऐसा सर्वर बचा है जहाँ पर ये फायरी की जो आपकी फिस्ट की स्किन है वो यहाँ पर इंडियन सर्वर में नहीं आई है। तो गाइज इस बार चांस बन रहे हैं कि आपको फायरी फिस्ट की स्किन ही आपको देखने को मिलेगी आपके नए इवेंट पर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर ये स्किन जो है वो आपको बहुत ही जल्द गेम के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। और गाइज अगर आपको अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और साथ साथ जो भाई लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस हैं धीरे धीरे करके आपको अपलोड करके अपडेट नए नए देते रहें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ अपडेट की तरफ। तो गाइस ये जो फिस्ट की स्किन है ये सभी सर्वर में आ चुकी है और इंडियन सर्वर बाकी रह गया है जहाँ पर ये नहीं आई हुई है, तो ये बहुत ही जल्द इंडियन सर्वर में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अब आपको क्या करना है कि आपको जो है इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिले, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन सर्वर के अलावा जितने अदर सर्वर हैं तो गाइस वहाँ पर जो है फ्री फायर का डिस्काउंट इवेंट अवेलेबल है, मतलब कि फ्री फायर का जो डिस्काउंट इवेंट है वहाँ ऑलरेडी दे दिया गया है। अब बात करते हैं कि इंडियन सर्वर में ये क्यों नहीं है, ठीक है। पता नहीं ये गरीने वाले इंडियन सर्वर से इतना भेदभाव क्यों करते हैं। तो गाइस आपको याद होगा कि पिछली बार ऐसे कुछ इवेंट्स नहीं आ रहे थे तो मतलब गरीना वालों की रेटिंग जो है इंडियन सर्वर ने गिरा दी थी, मतलब इंडियन सर्वर वाले जो है गरीना वालों की रेटिंग जो है वो कम कर दिए थे। तो वो उन्होंने मतलब इवेंट दिया था लास्ट महीने के 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो मतलब इवेंट आया था तो एक बार फिर से आपको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, मतलब वही रेटिंग तो नहीं गिराना है लेकिन आपको क्या करना है, आपको फेसबुक पे जाना है अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आपको जो फ्री फायर का ऑफिशियल मतलब की वेबसाइट मतलब जो उनकी ऑफिशियल साइट होती है जिसमें वो अपडेट जो अपलोड करते हैं, तो शायद से अभी गोल्ड रॉयल का बंडल जो है वो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कि गोल्ड रॉयल का जो बंडल था मतलब कि क्रिकेट वाला, तो उस बंडल की उन्होंने इमेज जो है वो अपलोड की थी। तो गाइस उस इमेज के नीचे मतलब आपको कमेंट करना है कि मतलब आपको ऐसा कुछ कमेंट कर देना है जैसे कि इंडियन सर्वर में मतलब ये इवेंट क्यों नहीं आते हैं, कि मतलब कि आपको आपने हर एक सर्वर में दिया लेकिन इंडियन सर्वर में क्यों नहीं दिया। आपको ऐसे कुछ लिख देना है कि इंडियन से इतना भेदभाव क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा लिख देना है कि और ये लिख देना कि हमें जो है इसी मंथ के लास्ट में इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट चाहिए, तो चाहिए बस, ये आपको ऐसा कुछ करके लिख देना है। तो उसके बाद रेटिंग जो गिराने की बात है वो हम अगले दिन करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम उनको एक मतलब कि चेतावनी देना चाहते हैं कि हम आपकी रेटिंग फिर से कम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडियन सर्वर के साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो इंडियन सर्वर वाले लोग भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर से करेंगे, क्योंकि इंडियन सर्वर में हर एक चीज़ महंगा भी आता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर कोई भी रेयर आइटम जो होता है वो जल्दी से मिल नहीं पाता है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे भेदभाव जो है इंडियन सर्वर के साथ होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा ही करना है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ऐसा कुछ कमेंट वहाँ पर कर देना है जो फ्री फायर का ऑफिशियल पोस्ट होगा, ठीक है। ऑफिशियल पोस्ट पे ऐसा कुछ आपको कमेंट करना है और फिर जो रेटिंग गिराने का काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे रेटिंग गिरा सकते हो, आपको क्या रेटिंग में मतलब गिराने के बाद क्या कमेंट में लिखना है, ठीक है। अभी आपको रेटिंग नहीं गिराना है और रेटिंग गिराने के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, तो अभी कुछ आपको ऐसा कर देना है। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।